हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Hi. Oh my God, you're looking ample today. Oh, you're looking Kashmiri apple today. Apple नहीं ample, ample यानी handsome. इतनी smart हो तो मेरी एक बात का जवाब दो. दो लोग हैं. एक का नाम है I love you, एक का नाम है I love you too. I love you too नाली में गिर गया. बचा कौन? I love you. सबके सामने मैंने बोला था. I love you too. I love you too तो नाली में पड़ा है ना? जो नाली में पड़ा है उसका तुम्हें पता है, जो तुम्हारे पीछे पड़ा है उसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। हद करती है ये लड़की। वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि आप बिजी हो? मैं तुम्हारे बिना बिजी हो जाऊँ ये हो नहीं सकता। और तुम मेरे बिना बिजी हो जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा फ्री हूँ मैं। वेरी गुड। वो एक्चुअली बात ये है कि मुझे एक NRI प्रोड्यूसर ने एक म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच किया है। wow. और वो होने वाला है मालदीव्स में। wow. प्रॉब्लम ये है कि वो एक सिंगर ढूंढ रहे हैं। ये तो वही बात होगी, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। हद है यार। अच्छा मतलब दिनेश। मैंने छोरा बोला है, छिछोरा नहीं बोला मैंने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पे नजर दो। हाँ ये तो मैं भूल ही गई। ये मैं दाढ़ी पे चमकने वाला तेल लगा के आता हूँ, दिनेश के लिए लगा के आता हूँ। तुम्हारे लिए लगा है, समझती नहीं हो तुम। याद आया, मैं तो भूल ही गई थी कि आप भी गाते हैं। या मैं मॉडल भी हूँ। हाँ ये दे मेरी राइट प्रोफाइल, ये मेरी लेफ्ट प्रोफाइल। लेकिन प्रोड्यूसर ने ये भी कहा है कि कोई फेमस बॉलीवुड सिंगर चाहिए। ओ, उसको मैं मालदीव जाके संभाल लूंगा। तुम फटाफट तैयारी करो, मुझे बिकनी भी लेनी है। बिकनी है? बिकनी तुम क्यों लोगे? बिकनी तो लड़कियां लेती है। तो तुम्हारे लिए लेनी है, मैं जाके वहां पे डॉल्फिन थोड़ी ना देखूंगा। चलो चलो चलो, रेडी हो जाओ फटाफट। हेलो, यस सर। हाँ हाँ मैं यहीं पे हूँ, आ जाइए, बस आगे लेफ्ट लीजिए। हाँ मैं यहीं पर हूँ। प्रोड्यूसर यहीं पर आ रहा है, आई होप उसे हमारी केमिस्ट्री अच्छी लगे। Hello! Hello! How are you doing, गजल? एक मिनट, ओए, 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 बर्फीले भालू, ये क्या हो रहा है? तुमको गलत समझ रहे हैं, ये हमारे वहाँ ऐसे हाय हेलो करते हैं। हमको भी अपने उधर लेके जाओ, हमको भी ऐसे मिलना है। अच्छा, मिलते मिलते सूंघते क्या तुम लोग? ये हमारे प्रोड्यूसर हैं। हाँ। इन्होंने मेरे वीडियो पे पैसे लगाए हैं। अच्छा अच्छा, इस उम्र में तो फिर पैसे ही लगा सकते हैं आप। मेरा मतलब दिल थोड़ी ना लगाएंगे इस उम्र में आप। हेलो मिस्टर, मैं प्रोड्यूसर है EMI, मतलब ईश्वर मनोहर ईरानी। वाओ, आर यू इंडियन? या मैं इंडिया में ही पैदा हुए थे। मैं जब 40 दिन के थे, बड़े होने के लिए मैं फॉरेन चले गए। इधर बड़े नहीं होने दे रहे थे आपको? गजल, Why are we wasting time? Time is money and money I don't want to waste. तुमने सिंगर ढूंढे? सर इनसे मिले, ये है सिंगर। ये सिंगर है। What is your name, सिंगर? कपू शानू नारायण। Oh my God! शानू नारायण तो नहीं सुने, कप्पू नहीं सुने कभी। कप्पू मेरा स्ट्रगल के दिन जब चल रहे थे तो कप्पू था, तो उस समय लोगों ने ज्यादा सुना नहीं। फेमस होने के बाद शानू नारायण इज वेरी फेमस। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे कौन से गाने गाए हैं तुमने? अरे मैंने बहुत गाने गाए, वो आपने सुना होगा, चांद सिफारिश जो करता हमारी। हाँ। देता वो तुमको बता। ये गाने जहाँ तक मुझे याद है ये गाने तो शान ने गाए। शान का देखिए, गाना मेरा था, गाया शान ने है। क्या हुआ, मैं स्टूडियो में गा रहा था, शान स्टूडियो के बाहर परेशान बैठा था। मैंने कहा तुम शान अच्छे लगते हो, परेशान अच्छे नहीं लगते, मेरा गाना तुम ले लो। उसने गा दिया उस हिसाब से, तो मैं है मैं ही हूँ। Wow, so kind of you. तुमने अपने गाने उसको दे दिए। या मैं दे देता हूँ। पर तुमने अपने पास कौन से गाने रखे हैं? मेरा वो आपने सुना होगा बहुत पॉपुलर था, केसरिया तेरा इश्क है पिया। वो गाने तो अरिजीत ने गाए हैं, मुझे पता है। ये बाहर पला बड़ा देखिए, उसका जो अरिजीत का केसरिया तेरा इश्क है पिया, उसका पिया हस्बैंड वाला पिया, मेरा पिया सच में पिया हुआ था। आप एक मेरी बात बताओ, आप दो अलग अलग गाने हैं, आप पीते हो? No, तो फिर आप कहाँ समझोगे आप?
देख आपने उदित नारायण के बारे में सुना है? उदित नारायण ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे किधर से वो वाले नहीं वो नहीं सुना तो फिर तू चीज बढ़िया मस्त मस्त हाँ वो मैंने गाया मुझे मालूम है वो सुनील शेट्टी की फिल्म के गाने हैं उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह अंधे बने थे उसमें अक्षय पुलिस वाले थे रवीना टंडन भी थी मुझे मालूम है फिल्म का नाम मोरे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट हम लोग 40 साल बैठे हमको इतनी नॉलेज नहीं है तुम कहीं अनु कपूर को चाट के तो नहीं आए इतनी नॉलेज देखो मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं हो रही मुझे लगता है उनको आप पे डाउट हो गया कि आप किसी और के गाने गा रहे हो तो धीरे नहीं बोल सकती मैं मालदीव जाने का प्लान कर रहा हूँ तू सारा काम चौपट करते है अच्छा इसीलिए आप फेंक रहे हो हाँ सर आपको पता है ये बहुत फेमस है इन्होंने तो बहुत फेमस फेमस गाने गाए आपने वो गाना सुना है मेरे हाथों में नौना चूड़िया है वो गाना भी इन्होंने गाया है वो गाना ये कैसे गा सकते हैं वो तो लेडीज की आवाज में गाने हैं हाँ हाँ ये आप उन्हीं से पूछिए कैसे गाए हैं तुमने वो लेडीज आवाज झूठ बोलना भी नहीं देखिए वो गाना एक्चुअली क्या है वो जब मेरे हाथों में नौना चूड़िया मैंने गाया ना हाँ। उस समय मेरी मूछे नहीं थी और फिर जब मेरे मूछे आ गई पापा कहते अब तुम अच्छे लगते लेडीज आवाज में गाते अब तुम जैन गाना गाओ एक मिनट ये मूछ के लेडीज गाने के साथ क्या लेने देने भाई उदित जी के मूछे हैं है अलका जी के नहीं है हाँ। उदित जी अलका जी के गाने नहीं गा सकते क्योंकि उदित जी के मूछे हैं अलका जी उदित जी के गाने नहीं गा सकते क्योंकि अलका जी के मूछे नहीं है तो गाना तो दोनों एक दूसरे का गाना चाहते हैं लेकिन मूछ सिर्फ एक के है हाँ। ये काफी एक है और समझाऊं मैं आपको देखो वेरी कॉम्प्लिकेटेड आप हमको मालदीव जाने को लेट और आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे ओके ठीक है मैं मान गए हैं वेरी गुड कप्पू अब तो सबको मना लेते हो पता है ये अपनी वाइफ को भी ऐसे मना लेते हैं वाइफ तुम शादीशुदा है तुमको मैंने बोले थे मुझे मैरिड आदमी नहीं चाहिए कैंसिल डील कैंसिल एक मिनट किसने कहा मैं शादीशुदा हूं अभी इसने कहा तुम वाइफ को मना लेते हैं इधर आओ तुम एक भी झूठ नहीं ढंग से बोला जाता वाइफ मेरे फूफा जी का नाम है वो मेरे से बहुत नाराज होते हैं फूफा जी के नाम वाइफ कैसे हो सकते हैं क्योंकि बुआ का नाम हस्बैंड है ना यार हम मालदीव जाने को लेट हो रहा है हमको नहीं नहीं मालदीव जाने के पहले मैं तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखना चाहते हैं कि तुम दोनों गाना गाते वक्त वैसे बता दो कैसा क्या देखना चाहते हो जाके बताने का क्या है तुम्हारे दोनों की केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब है अच्छा एक काम करो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और मुझसे चेक ले लो अरे दामाद जी ये क्या हो रहा है ये दामाद जी क्यों बोल रहे तुम्हें कौन है ये इनके ससुर है मैंने तुम्हें कहा था ना शादी शुदी करनी बेटा तो मैंने शादी का कहाँ बताया मैंने तो यही कहा कि आपके ससुर हैं ओके तो ससुर किसके साथ आता है राशन के साथ गजल मुझे इधर सब ठीक नहीं लग रहे हैं ये गाने में नहीं करेंगे तुम शादीशुदा हैं तो आपको शादीशुदा से प्रॉब्लम क्या है वीडियो में क्या मेरी मांग भरी हुई दिखाई देगी क्या प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ मुझे दो तीन बार छोड़ के भाग गई दूसरे के साथ सो आई डोंट लाइक शादीशुदा तुम दोनों ने मिलके मुझे झूठ बोले मैं तुम दोनों को सू कर देंगे आई विल सू बोथ ऑफ यू एंड आल्सो यू बुड्ढा सू यू मैन सू यू तालियां आज की शाम के लिए अर्चना जी आज 1890 का मजा आने वाला है आज 1890 हाँ, ग्लास ना आगे कर देना 1890 के म्यूजिक की बात कर रहा हूं मैं और उस दौर के मशहूर सिंगर जो आप सबके दिलों में बसते हैं जिनकी आवाज आपके कानों में गूंजती है तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर शब्बीर कुमार क्या बात है शब्बीर साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए थैंक यू दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे आज पहली बार आप हमारे शो पे आए हैं आवाज सुन के वाकई ऐसा लगता है पर्वतों से टकरा के आ रही है आवाज और क्या गाने गाए हैं शब्बीर साहब ने हर दूसरी फिल्म में शब्बीर साहब की आवाज होती थी आप देख लो बच्चन साहब मिथुन दास सनी देओल धर्मेंद्र जी जितेंद्र जी शत्रुघ्न सिन्हा अनिल कपूर गोविंदा साहब कोई हीरो नहीं है जिसके लिए उन्होंने गाना ना गाया हो
सर ये सारे एक्टर्स को आपकी आवाज सूट कर जाती थी या सारे प्रोड्यूसर को आपका बजट सूट कर जाता था? क्या इसके पीछे राज क्या है? मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और आप सबका प्यार है, और खासकर अमिताभ बच्चन साहब जी, इनके लिए मैंने गाया और उनके गले पर मेरी आवाज सूट हो गई, उनके चेहरे पर सूट हो गई, तो ये मेरे लिए शायद प्लस पॉइंट हुआ है कि भाई अमिताभ के लिए जो गा सकता है तो उसको हम अपने लिए भी गवाएं। तो शायद ये वजह थी कि मैं आप सबकी दुआ से बिजी होता गया। क्या बात है। तो सर कैसे, मतलब जैसे बच्चन साहब के लिए आपने पहली बार गाया, वो कैसे? सर ये ऐसा हुआ कि 1980 में रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ। अच्छा जी। तो उस दरमियान मैं बड़ौदा रहता था गुजरात, मेरी फैमिली वहीं थी, और मैं लाइव शोज़ के लिए बॉम्बे आता था, शोज़ करता था, चला जाता था। तो उस दरमियान एक शो हमने बनाया था, एक शाम रफ़ी के नाम जी। तो उस शो की पॉपुलैरिटी इतनी हुई कि अगर 30 दिन में 50 शोज भी करें तो कम पड़ते थे, तो इतनी डिमांड हो गई। और ये सारी बातें उड़ती उड़ती फिल्म इंडस्ट्री में गई कि भाई गुजरात से एक लड़का आता है, उसकी आवाज़ मिलती जुलती है, रफ़ी साहब के करीब है। तो इस तरह इंडस्ट्री में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनको पता चला, मेरे पास एक कॉल आई, तो मैंने कॉल रिसीव किया तो बताया कि भाई मुझे शब्बीर कुमार से बात करनी है। मैंने, आप कौन साहब बोल रहे हैं? बोले मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। मैंने, कौन लक्ष्मीकांत? बोले म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लक्ष्मीकांत। मैंने, सर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, प्रणाम सर, आपने कैसे मुझे याद किया? बोले हम चाहते कल आप यहाँ पर बॉम्बे आ जाइए। अच्छा जी। मुताबिक मैं उनके बंगले पे पहुँचा पारस मई पे, तो लक्ष्मी जी अकेले बैठे हुए थे। बोले अब तक तो आप रफ़ी साहब के गाने स्टेज पे गाते रहे हैं और रफ़ी साहब के गाने गाने के लिए उनका मार्गदर्शन आपको मिलता है, अगर कोई फ्रेश गाना मिले तो आप कैसे गाएंगे? तो मैंने बोला, सर मुझे तजुर्बा तो नहीं है, देखिए कोशिश कीजिए आप। मैंने पेन और पेपर मुझे दिया और बोले लिखिए आप। अच्छा। कि मुझे पीने का शौक नहीं, हाय हाय, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने को। लिखिए आप। ठीक है, हाँ चलिए बताओ मैं आपकी ट्यून। फिर उन्होंने मुझे ट्यून बताई। प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां शब्बीर साहब के लिए। सर बैठने से याद आया, कोई आपको ऐसी मिली है कभी लाइफ में जो आपकी आवाज सुन के उधर ही बैठ गई हो? बोलती हूँ कि जाऊंगी तो आप ही के साथ। गाने ऐसे याद है ना हमें, बिल्कुल। कोई ऐसी आपको मिली सर जो पागल हो गई आपकी आवाज के पीछे? बहुत से ऐसे वाकयात हुए मेरे साथ। कई बार मैं गाड़ी, मेरी कार जाती है तो कार को चूम लेते थे। पर जब लड़कियां ऐसे कार को चूमती थी, आपके मन में अंदर क्या चलता था? ये चलता था कि कार रोक के शीशा नीचे कर लो, कार को बॉडी ना होती। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ 90s के एक और फनकार को। उन्होंने जब ये गाना गाया ना कि तुम तो ठहरे परदेसी, तो देश क्या परदेश में फेमस हो गए। आप सबकी जोरदार तालियां, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां अल्ताफ भाई के लिए हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं, ये गाना तो सबकी जुबान पे है ही, पर ये जब एल्बम आया था तुम तो ठहरे परदेसी, इतना क्रेज था कि रातों रात 10 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया। क्या बात है। और ये सच्ची में ये कवाली इतनी फेमस हो गई ना, 90s में जितनी शादियां हो रही थी ना, उनके पीछे ये गाना लगा देते थे, चाहे सिचुएशन पे सूट कर ही ना रहा हो। और दुल्हन जयमाला लेके आ रही है ना, तो और पीछे लगा तुम तो ठहरे परदेसी, और दुल्हन दूल्हे को देख के शक करने लगती थी, भाग तो नहीं जाएगा सुबह ये। और हर शादी में इनका गाना बजा, एक ही शादी में नहीं बजा, वो इनकी खुद की। तो लोगों की शादियां करवाते रहे, आप अपनी करनी भूल गए भाई। मैं अभी बच्चा हूँ और बैचलर हूँ। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हैप्पी बैचलर, वेरी गुड। अल्ताफ भाई कितने चमक रहे हो आप, कसम से ऐसा लगता है सारी रात पानी में भिगो के रखा है, अभी अभी छिलका उतारा है किसी ने, इतने चमक रहे हो। आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, कमाल की इंडी पॉप सिंगर हैं, जोरदार ताली से प्लीज वेलकम सुनीता राव। वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड हेलो यू। आइए विराजमान हो जाइए। अभी आपके आने से पहले अल्ताफ भाई बोले थे आई एम वेरी हैप्पी बैचलर हैप्पी। अभी आपको देख के सोच रहे थे काश मैं भी शादी कर लेता। अल्ताफ भाई कैसे, अच्छा लग रहा है? सुनीता जी आ गई अब आसपास, अब ग्लैमर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वंडरफुल टू बी विद अभी जी एंड अल्ताफ जी, थैंक यू सो मच। और मुझे अर्चना जी के बारे में कुछ कहना है, मैं कहूं? प्लीज, आई डोंट नो व्हाट इट इज। आई एम बिटन बाय द एक्टिंग बग, आई लव एक्टिंग, बट आई लव्ड इट व्हेन आई वाज इवन
very, very small. I was 15, 16. I did a screen test. अच्छा जी. वो रोल मुझे नहीं मिला, अर्चना जी को मिली. है? Which one? हाँ, जलवा. Oh. आपको पता भी नहीं था, देखिए जोरदार तालियां बजा. क्या बात है? मुझे पहले लगा था आप सिर्फ कुर्सियां छीनते, रोल भी छीने आपने. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.